नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। देखिए, आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ एक्रेलिक कलर वॉल पेंटिंग। जिस पेंटिंग को बनाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा, लगभग मैंने इस पेंटिंग को बनाया 5 घंटे के अंदर, और वो भी नॉन स्टॉप वर्क किया क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही थी इसके अंदर। ट्रांसपेरेंसी मुझे पहले कम करने के लिए पहले तो उसको सिंगल कोट करना पड़ा, उसके बाद में उसके ऊपर और कोट चढ़ाने पड़े कलर के। उसके बाद इसे मर्ज होने लगा, फिर मुझे इसमें रियलिस्टिक इफेक्ट भी डालना पड़ा, और इस तरीके से करके यह पेंटिंग इतना समय में बन गई और सभी ने बहुत तारीफ़ की। काफ़ी बच्चों ने भी, जो भी निकल करके जा रहे थे स्कूल के अंदर, उन्होंने भी मेरे काफ़ी अच्छी लगी उनको भी, बच्चों को, बच्चों ने बोला भी कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, तो काफ़ी सारा अप्रिशिएट किया, तो खुशी मिली। फिर मैंने और मेहनत से और अच्छा अच्छा वर्क किया ताकि मैं अपना पूरा एफर्ट दे सकूँ, और काफ़ी अच्छा डिटेल भर करके ये काम निकल करके आया। आप देख सकते हैं किस तरीके से करके मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ, और इस तरीके से जो एक्रेलिक कलर होता है ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आती है अगर सिंगल कलर चलाते हैं, तो पहले बेस कर लिया करो आप लोग भी। अगर आप एक्रेलिक कलर पे वर्क कर रहे हैं तो पहले आप बेस कर लो, फिर उसके बाद में उस पर कलर चढ़ाते चले जाओ तो मिक्सिंग होती रहेगी। डार्क एरियाज में डार्क कलर का उपयोग करो, लाइट एरियाज में लाइट कलर का इस्तेमाल करो। फिर उसके बाद में क्या काम करो, जो फिनिशिंग होती है ना वो अपने आप आने लगती है। और एक और चीज़, पानी का उपयोग कम करते चले जाओ, जैसे जैसे कोटिंग बढ़ती चली जाएगी पानी का उपयोग कम होता चला जाएगा, तो काफ़ी कलर जो है वो थिक हो जाएगा थोड़ा सा, तो वहाँ पर वॉल पर या कहीं पर भी पेपर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा टिकेगा वहाँ पर। अक्सर क्या करते हैं, कभी समझ नहीं आता कि पानी कितना लगाना चाहिए, वो कितना करना चाहिए, उसके लिए मैं आने वाली वीडियोज़ में समझाऊँगा भी किस तरीके से करके एक्रेलिक कलर का उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल भी करना चाहिए कि कैसे करके क्या कहाँ पर क्या टोन्स होंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और समझने के लिए आप मुझसे अलग से कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे इंस्टा या फेसबुक पर पारस मनी आर्ट के नाम से। आप देख सकते हैं और भी चीज़ें, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं अपने काम के बारे में कि आप क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इस तरीके से करके। और मैंने भी ऐसा नहीं है कि आजकल में मैंने सब कुछ सीखा हो, मुझे भी सीखने में बहुत वक्त लगा इस चीज़ को समझने में, लेकिन शायद हो सकता है मेरा सीखना आप लोगों के काम आ जाए। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आप सभी को मेरा यह नया वर्क, काफ़ी रियलिस्टिक बनकर आया है ना, देखिए देख सकते हैं आप। और मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।